हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रायंगुलर पैटर्न को प्रिंट करना जावा में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग की थी जिससे हमारा रेक्टेंगुलर स्टार्स प्रिंट हो रहे थे और यहाँ पर हमने प्रिंट एलन में एक स्लैश डाल दिया था जिससे हमें पता चल जाए कि ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। इसको मैं इस बार हटा देता हूँ यहाँ से और मैं वापस आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ फाइव एलिमेंट्स के लिए। रन करते हैं। वापस से हमने देखा कि हमारा एक ट्रायंगुलर एरिया प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा लूप पांच बार चला, बाहर वाला लूप पांच बार चलेगा और उसके लिए अंदर वाला लूप फिर से पांच बार चलेगा। हर एक बाहर वाले लूप की इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप फाइव इटरेशन तक चलेगा। हमें क्या करना है, इस बार हमें सिर्फ ये पैटर्न प्रिंट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, यहाँ से ये स्टार्स हमें गायब करने। तो गायब करने का मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही स्टार प्रिंट करने हैं, हमें गायब कुछ भी नहीं करना, बस इसमें लॉजिक कुछ ऐसा लगाना है ताकि हमारे यही स्टार्स प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक लॉजिक है कि हमें अंदर वाला लूप उतनी ही बार चलाना है जितना हमारा बाहर वाले आई की वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जे की वैल्यू को लेस देन चेक कराएंगे कि वो आई के लेस देन कब कब है, तभी वो चलाए। यानी कि अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको लॉजिक समझा देता हूँ कैसा लॉजिक है इसका। जैसे हमने इसको रन किया, तो हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने आई की वैल्यू को सेट किया 0 से, उसके बाद हमने चेक कराया क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है। हाँ, आई की वैल्यू 0 यानी कि 5 से छोटी है। उसके बाद हमारा इंटरनल लूप चला, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर J की वैल्यू क्या है, 0। फिर हमने चेक कराया क्या J की वैल्यू छोटी है I से, नहीं, J की वैल्यू 0 यानी कि छोटी नहीं है I से, 0 0 से छोटा नहीं है, 0 1 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट एलन, इसने क्या किया, सिंपली एक प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया, इसीलिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है। तो शुरू में हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये वापस से बाहर वाले लूप के अपडेशन में गया, आई की वैल्यू क्या हो गई इस बार, 1, क्या 1 छोटा है 5 से, हाँ। फोर लूप के अंदर आया, यहाँ पर जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होती है 0 से, यहाँ पर चेक किया क्या जे की वैल्यू ये आती, यानी कि 0 छोटी है 1 से, 1 क्या हो चुका था, 1, आई क्या हो चुका था, 1, अब यहाँ पर 0 लेस देन 1, यस ट्रू। इसके बाद यहाँ पर आया और उसने एक स्टार को प्रिंट कर दिया जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा। उसके बाद ये क्या गया, जे की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट हुई, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पर आई की वैल्यू भी इस बार 1 है और जे की वैल्यू भी 1, तो क्या जे की वैल्यू 1 यानी कि 1 इज लेस देन 1, क्या जे की वैल्यू छोटी है आई से, नहीं, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद हमारा इंटरनल लूप टूट चुका और हमारा स्टेटमेंट कहाँ चला गया, प्रिंट लाइन स्टेटमेंट के पास। यहाँ पर आते ही इसने क्या किया, हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आया। उसके बाद हमारा बाहर वाला लूप फिर से अपडेट हुआ, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 2, जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी 0 से, यानी कि 0 इज लेस देन 2, फिर से यहाँ पर आया, स्टार प्रिंट हुआ, अपडेट हुआ, जे की वैल्यू 1 हो चुकी जो कि अभी भी लेस देन है 2 से, तो इस बार दोबारा प्रिंट हुआ, तो इस बार हमारे 2 स्टार प्रिंट हुए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जे की वैल्यू इस बार हो गई 3, क्या सॉरी दोस्तों, जे की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2, क्या हमारा 2 2 से कम है, नहीं, ये लूप टूट जाएगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यहाँ से हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया। उसके बाद फिर से वापस हमारा आई अपडेट होगा और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये 5 बार ना चल जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका मुझे लगता है कि आपको ये इसका कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।